नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे मेघालय की सुंदरता, वहाँ की प्राकृतिक की जो देन है वो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ब्लॉग में दिखाएंगे। वहाँ के झरने, खेती, नदियाँ और साफ स्वच्छ वातावरण और जो वहाँ की धरोहर है वो आप हमारे इस ब्लॉग में देखिएगा दोस्तों। और कमेंट करके बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और मेघालय की सुंदरता आपको कैसी लगी दोस्तों। चेरापूंजी हर वक्त बादलों और बारिशों से घिरी रहने वाली जगह, ऐसे खूबसूरत नजारे जो किसी के भी दिलो दिमाग पर छा जाएं, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली। पर इतने पानी के बावजूद सबसे बड़ा मुद्दा ही यह पानी का है, साथ ही तेजी से ध्वस्त होती जा रही खेती की जमीन का भी। हमेशा बादलों के बीच घिरी रहने वाली एक जगह, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं रिकॉर्ड की गई है। और ये झरने, ये किसी का भी मन मोहे, हरियाली और बादलों का ऐसा संगम जो शायद बहुत कम ही देखने को मिले। लेकिन इन सब के बावजूद तरह तरह की चुनौतियों से घिरे रहते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के किसान। फिर भी इन्होंने हारना नहीं सीखा है। चेरापूंजी इस नाम से ही रहन में कई चीजें एक साथ कौन जाती है, बादल, बारिश, हरियाली। और चारों तरफ कल कल करते ये झरने, चेरापूंजी पहुंचने के लिए पहले आना पड़ेगा मेघालय की राजधानी शिलांग। सुंदर पहाड़ी शहर है शिलांग।
देश भर से पर्यटक यहां आते हैं। काफी चहल पहल वाली जगह भी है शिलांग, लेकिन हमारी मंजिल तो है चेरापूंजी। हरी भरी पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए आप पहुंचते हैं चेरापूंजी, जो शिलांग से करीब 54 किलोमीटर दूर है। एक बात और, चेरापूंजी पहुंचने के बाद ही पता चलता है इसकी अनेक खूबियों का। कुछ साल पहले तक ही तो चेरापूंजी को अपनी एक खासियत के लिए जाना जाता था, वो ये कि यहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती थी। पानी अब भी यहां बहुत बरसता है। साल का शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब फुहारें चेरापूंजी को ना चूमें। जी हां, नायाब जगह है ये पूर्वोत्तर के मेघालय में। सैलानियों को भी अपनी तरफ बहुत खींचती है चेरापूंजी, लेकिन सैलानी तो आते हैं और चले जाते हैं, शहर में रह जाते हैं शहर के लोग। क्या खुश हैं चेरापूंजी के निवासी, क्या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है इन्हें, सुनकर हैरानी होगी। इतना पानी होने के बावजूद यहां सबसे ज्यादा कमी पानी की। अगर किसी जमीन के टुकड़े में खेती होती भी है तो वहां ठीक है, ये तो प्रकृति की मार है, इसे झेलना ही पड़ेगा। पर आईजेड खान जी मानते हैं कि अगर यहां के लोग और जागरूक हो जाएं, तो इस स्थिति से भी निपटा जा सकता है। अवेयरनेस ऑफ द पीपल आल्सो इज वेरी वेरी, लोगों की जागरूकता इन मामलों में बहुत ही कम है, उनको जल स्रोतों की ज्यादा जानकारी नहीं है, वो नहीं समझते कि यहां पेड़ लगाना कितना जरूरी है। और चेरापूंजी का पानी ये तो काफी प्रदूषित है, अगर दो दिन पानी ना बरसे तो लगता है हफ्तों से सूखा पड़ा हुआ है। तो ये है चेरापूंजी के वो पहलू जो आसानी से नजर नहीं आते। आए भी तो कैसे, बाहर से आने वाले तो यहां के खूबसूरत नजारों में ही मुग्ध रहते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा यहां रहने वालों को और इनके जज्बे को। शायद बादलों से भी इन्होंने सीख ली है, जैसे बादल आते हैं बरसते हैं और गायब हो जाते हैं, ठीक वैसे ही मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं।